अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो ऑफ क्रेट ओपनिंग। गाइस, थंबनेल देखे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम करेंगे अपने मिथिक फोर्ज की क्रेट ओपनिंग। जो मिथिक फोर्ज न्यू वाले नहीं है, वो भी आने हैं, उसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। और आपको मैं दिखाऊँगा कि कौन कौन से मिथिक जो हैं वो न्यू आ रहे हैं और किस डेट को आ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो बाकी मैं कुछ जो है वो मिथिक फोर्ज की किट ओपनिंग करता हूँ ताकि मेरे पास कुछ जो है वो क्रिस्टल जमा हो जाए। तो जो है जब हमारे पास जो मिथिक्स आएंगे तो उसको जो है हम फौरन रिडीम कर लेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। और गाइज, लास्ट जो स्ट्रीम हुई थी उसमें से जो मैंने बंदे पिक किए थे जो हमारे, उनको मैंने यूसी सेंड कर दिए थे। बाकी अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो तो खाली वो मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बस अब विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कोई भी हो अच्छा प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से मैं थ्री पीपल इन दिस वीडियो टू सेंड 66 यूसी, ठीक है। तो जो मर्जी कमेंट करें बट साथ में अपनी पबजी आईडी भी मेंशन कीजिएगा, ठीक है। सो नाउ अब हम अपने आते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो गाइस, ऑलमोस्ट सबको पता है कि इस बार जो मिथिक फोर्ज है वो कौन से आने वाला है, कौन कौन से मिथिक आने वाले। तो आपको दिखाता हूँ कि एरी डॉल सेट फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला आएगा विद इमोट, ये भी बहुत ओल्ड है, ठीक है। और इसके साथ हेड गियर आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास जो आएगा नंबर टू जो है वो इसका हेडगियर हो गया। नंबर थ्री पे चार्ज आर्मर सेट आएगा, इसका भी बहुत अच्छा इमोट। और भाई साहब सबका मोस्ट फेवरेट सेट किलिंग मशीन सेट, तो भाई साहब साथ कुछ गन्स आ रही है। तो मुझे अब आपने कमेंट करके बताना है कि भाई साहब कौन कौन इस मिथिक फोर्ज की क्रिएट ओपनिंग करेगा। आई थिंक मेरा ख्याल है ये फर्स्ट मिथिक फोर्ज है जिसकी आलमोस्ट जो है वो आलमोस्ट आवाम सभी क्रिएट ओपनिंग करेगी, क्योंकि जो किलिंग मशीन है वो भाई बहुत रेयर है। तो यार आई डोंट थिंक कि ये किलिंग मशीन को इस तरह नहीं आना चाहिए था यार, इसको एटलीस्ट एक सेपरेट क्रेट में ना आना चाहिए था। तो पता नहीं यार पबजी ने क्या किया। और कुछ ये भी लीक्स हैं कि मे बी ये कुछ जो है वो क्रिस्टल ज़्यादा का हो, तो अभी तक यही लीक्स हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। और इसकी जो डेट है, रिलीज डेट है, वो 5 सितंबर है। गाइस ये डेट कन्फर्म हो चुकी है, 5 सितंबर को हमारा मिथिक फोर जो है वो अपडेट हो रहा है, तो 5 सितंबर को जाएगा। पहले जो था वो 12 सितंबर था, अब वो चेंज हो गया 5 सितंबर हो गया। तो 5 सितंबर गाइज आप लोग रेडी हो ना। जो मुझे पर्सनली फील आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि पबजी वाले या तो जो किलिंग मशीन है इसको जो हम रिडीम करेंगे उसके कॉइन ज़्यादा कर देंगे, या तो ये मेरा फील आ रहा है, या मे बी सेकेंड ऑप्शन ये हो सकती है कि मे बी जो ये हम 200 की जो स्पिन करते हैं मे बी इसकी जगह ये ज़्यादा कर दें, मे बी इसको 400 कर दें, या जो जैसे नॉर्मल होते हैं 500 समथिंग वाले वो भी कर दें। तो ये मेरा एक पर्सनल अपना व्यू है, तो अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो ये मतलब आई डोंट नो कि ये ऐसा होगा या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे फील आ रहा है। तो बाकी 5 सितंबर को ही वैस पता चलेगा कि भाई सब क्या होगा। तो बाकी यहाँ पर मैं कुछ जो है वो क्रिएट ओपनिंग करता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो गाइस बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आई एम आउट, पीस।